सैपरा में आप मौजूद हैं और हमारे साथ विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, तो वो आते कभी गांव में नहीं आते? नहीं, अब वो काय को आ गया, वोट ले लिया बस आता ही नहीं। हाँ, बातें भी की जाए तो क्या कुछ डेवलप गांव में देखने को मिला? बात करें शहर की और गांव को लेकर, तो क्या क्या डेवलप कर रहे हैं? पुष्पेंद्र यादव। अच्छा, बात प्रतिनिधि हूँ मैं। अच्छा, ग्राम प्रधान। एक तो राशन कार्ड, ये कोटे का राशन नहीं देता है, सिर्फ एक जन मारता है, ठीक है जी। सैकड़ों लोग होंगे राशन कार्ड नहीं। अच्छा, राशन कार्ड वहाँ जाइए आप, वहाँ ऑनलाइन कराइए, ऑनलाइन करा के देख लिया, सब कुछ करा ले के देख लीजिए। सब गांव में सड़कें हैं, सीसी रोड है? हाँ, सीसी था, लेकिन अभी ये सब मिटा मिटू के चले गए। लेकिन प्रधानमंत्री आवास का और मुख्यमंत्री आवास का हम बहुत अब अप्लाई कर चुके हैं, अभी कोई पैसा नहीं आ रहा है। नहीं, अभी तो ये तो भेदभाव होता है भाई, हमें आपके यहाँ गाँव से वोट मिले हैं तो आपके यहाँ काम होगा, वो अगर आपके यहाँ से नहीं मिले हैं तो नहीं होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस समय आज हम पहुंच चुके हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक बिरधा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सैपरा में मौजूद हैं, और हमारे साथ अभी इस समय ग्राम प्रधान जी मौजूद है। और बात करें तमाम विकास को लेकर दावे भी किए जा रहे हैं, और लोकसभा का जल्द ही चुनाव का डंका बजने वाला भी है। तमाम दावे भी किए जा रहे हैं और विकास की बातें भी किए जा रही, तो क्या कुछ डेवलप गाँव में देखने को मिला? बात करें शहर की और गाँव को लेकर, तो क्या क्या डेवलप देखा गया और इनके कार्यकाल में क्या कुछ बदलाव हुए? स्वागत है भाई जी, पुष्पेंद्र यादव जी। अच्छा, बात प्रतिनिधि हूँ मैं। अच्छा, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जी। अच्छा, अगर हम बात करें अभी तमाम डेवलप को लेके, पहले क्या हाल थे और जब से आप जो ग्राम प्रधान जी चुने गए हैं तब से क्या कुछ बदलाव हुए? हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है जी, राशन कार्ड जी। राशन कार्ड? हाँ बिल्कुल, राशन कार्ड क्या है हमारे यहाँ, एक तो राशन कार्ड, ये कोटे का राशन नहीं देता है, सिर्फ एक जन मारता है, ठीक है जी। और दूसरा क्या है के सैकड़ों लोग होंगे राशन कार्ड नहीं। अच्छा, राशन कार्ड वहाँ जाइए आप, वहाँ ऑनलाइन कराइए, ऑनलाइन करा के देख लिया, सब कुछ करा ले के देख लिया, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, क्या लगता है आपको देखते हुए, विभागीय का लापरवाही देखने को मिलती है? विभागीय लापरवाही होगी। अच्छा, बाकी और क्या क्या गाँव में जो समस्याएं देखने को मिलती है, जैसे हम बात करें नालियों की, बिजली की, सड़क की, पानी की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की? अच्छा, मेरा क्या है कि छोटा गाँव है, ठीक है ना, तो यहाँ बहुत कम पैसा आता है, जबकि यहाँ पे बहुत जरूरत है। एक दोनों दो गांव है हमारे, दोनों गांव में शमशान घाट बनना है, ठीक है, नालियों की भी समस्या है जी। अच्छा, बजट क्या है, विकास क्यों नहीं मतलब हो पा रहा है? जैसे सरकार तो तमाम दावे कर रही है कि हम गांव में विकास की गंगा बहाने का हम काम कर रहे हैं, पानी नहीं था, पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं थी वो बंद करने का काम कर रहे हैं, नालियां नहीं थी, सड़कें नहीं थी तो वो भी बनाने का काम कर रहे हैं, तो नहीं हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो रहा है ना। अच्छा, मतलब वजह क्या है, क्या दिक्कत जाती है? अब वजह पता नहीं क्या है, ये तो सरकार जाने। अच्छा, बाकी अगर बात करें जैसे कि सरकार द्वारा यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो जनप्रतिनिधि भी है, विधायक है, मंत्री है, सांसद हैं, तो वो आते कभी गाँव में नहीं आते? नहीं, अब वो काय को आ गया, वोट ले लिया बस आता ही नहीं। अच्छा, क्या लगता है आपको कि अब चुनाव भी आने वाले हैं, अब तो दौरा भी उनका लगातार चल रहा है? अभी हमारे यहाँ एक मीटिंग हुई थी, ये क्या कहते हैं, विकसित भारत, उसमें ना तो कोई प्रतिनिधि आया सरकार का, बस सिर्फ अधिकारी आए थे, कर्मचारी आए थे, अधिकारी। पहले आपने बताया कि मुक्ति धाम गांव में नहीं है, दोनों गांव में नहीं है, दोनों गांव जी। दूसरा आता है कि तालाब को लेकर, तालाब भी बनाया जा रहा है चूंकि जो पानी की मात्रा कम ना हो, लेवल बना रहे। नहीं, तालाब के लिए तो चूंकि क्या है कि एक युद्ध स्तर पर अगर काम किया जाए, भैया तो पत्थर ही पत्थर है, उसको गहरा करने का मतलब बहुत पैसा चाहिए उसको। अच्छा, गांव में सड़कें हैं, सीसी रोड है? हाँ, सीसी था, लेकिन अभी ये सब मिटा मिटू के चले गए। अच्छा, एक और योजना चल रही है, जल जीवन मिशन, जो घर जल जीवन वाले क्या उन्हें खोद के सब उखाड़ उखाड़ के थोड़ा थोड़ा करके चले गए, अभी यहीं पे उखली चल रही है। अच्छा, अभी पानी चालू हुआ, नल पहुंचे? अभी नहीं पहुंचे। नो। अच्छा, बाकी बात करें हम शिक्षा को लेके, शिक्षा की क्या स्थिति? हाँ, शिक्षा की ठीक है, अब यहाँ तो क्या है कि अधिकांश शहरिया लोग रहते हैं, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे बहुत कम बच्चे आते हैं जी। अच्छा, पानी की बात करें जैसे कि पिए जल को लेकर, यानी कि अभी किस माध्यम से जो पूर्ति लोगों की होती है? हाँ, पानी को लेकर हैंडपंप से। बिजली की बात की जाए, बिजली ठीक है, बिजली भी बढ़िया है। अच्छा, बाकी और भी तमाम योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास हो गया, शौचालय हो गया, गाँव में समुदाय शौचालय हो गया? नहीं, सामुदायिक शौचालय बन चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास का और मुख्यमंत्री आवास का हम बहुत अब अप्लाई कर चुके हैं, अभी कोई पैसा नहीं आ रहा है, ना कोई क्वार्टर बन रहे हैं। साफ सफाई को लेकर, साफ सफाई ठीक है।
जी, बाकी किसानों के लिए भी तमाम चेक डैम बनाए जाते हैं, मेड़बंदी कर होते हैं, तो ये सब हो रहा है किसान? हाँ, वो हो रहा है। सम्मान निधि की भी अगर बात की जाए, सम्मान निधि मिल रही है, अगर उज्ज्वला योजना तहत चूल्हे सिलेंडर की भी अगर, हाँ वो सबको मिला हुआ है। अच्छा, बाकी और बड़ी बड़ी समस्या क्या क्या देखने को, जैसे आपने बताया कि मुक्ति धाम नहीं है पहला चीज, और दूसरी बात ये कि गांव में खेल का मैदान, खेल का मैदान भी जी, खेल का मैदान। अच्छा, बाकी गरीब, जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ पे शहरिया बस्ती बहुत ज्यादा है, गरीब लोग भी रहते होंगे, तो टोटल गरीब है यहाँ पे। अच्छा, टोटल गरीब। बाकी शादियों को लेकर, जैसे कि गांव-गांव में एक विवाह घर भी बनाया जाता है, क्योंकि उतना उनके पास वो बजट हाँ। नहीं होता कि वो खुद से अपने में कर सके या बाहर होटलों में कर सके। नहीं, तो वो शादी घर ऑलरेडी कई गांवों में बन चुका है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं बना है अभी। जी, बाकी आप उन जनप्रतिनिधि को क्या कहना चाहेंगे जो भी सत्ताधारी हैं और जो आपके गांव में नहीं पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आप विकास कराइए, श्मशान घाट बनवाइए हमारे यहाँ, खेल का मैदान बनवाइए, हैं, पानी की अच्छी व्यवस्था। तो अभी तो जल जीवन मिशन अब कब चालू होने वाला है, अभी तो खैर होने वाला है नहीं लोकसभा चुनाव। सांसद जी अनुराग शर्मा जी हैं, लगातार दौरे करते हुए देखे जा रहे हैं क्षेत्रों में, तमाम दावे भी कर रहे हैं, तो अब की बार क्या लगता है, बदलाव इनमें कुछ होना चाहिए? जैसे कि अगर देखा जाए कि डेवलप नहीं हुआ, चुनाव के समय वोट मांगने के लिए आते हैं, बाद फिर लॉलीपॉप देकर चले जाते हैं। नहीं, अभी तो ये तो भेदभाव होता है भाई, हमें आपके यहाँ गाँव से वोट मिले हैं तो आपके यहाँ काम होगा, वो अगर आपके यहाँ से नहीं मिले हैं तो नहीं होगा। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, कुछ बदलाव होना चाहिए अब की बार? नहीं होना चाहिए अभी तो, बाकी अभी तो मोदी मोदी हो रहा है सब। बाकी आपको क्या लगता है, आप किस नजरिए से देखते हैं, बाकी गांव किस ओर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है गांव? ठीक है हमारे गांव का। बाकी हमारा तो निवेदन सरकार से यही है कि जो भी यहाँ पे काम अधूरे हैं आप अधिकारियों को भेजिए, और हम सब लिखवा रहे हैं। अच्छा, आपको राशन कार्ड की बहुत सबसे बड़ी समस्या है, राशन कार्ड की है। अच्छा, गौर यहाँ पे कौन नहीं देते, प्रशासनिक अधिकारी या शासन, मतलब लापरवाही कमियां किनकी मानते हैं, प्रशासनिक अधिकारी यानी जो विभागीय अधिकारी हैं, वो लापरवाही उनकी बड़ी देखने को मिलती है, या जनप्रतिनिधि की, विधायकों का, मंत्रियों का, सांसदों का, या सरकार की गलती मानते हैं कि सरकार ऊपर से ही कुछ ऐसा कार्य नहीं कर रही? प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी। यस। अच्छा, क्या होना चाहिए इनके साथ? अरे अब ये तो अब सरकार जाने जी, बाकी हटाइए जो नाकार अधिकारी है उनको। बाकी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको लेकर क्या कहेंगे, क्या कुछ उनकी कार्यशैली उनकी लग रही है? वो ठीक है उनका, बहुत बढ़ गया है। केंद्र सरकार को लेकर क्या कहेंगे, चुनाव का डंका बजने वाला है? बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया। अच्छा, कुछ बदलाव होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं, नो अभी नहीं, नहीं होना चाहिए अभी नहीं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस गांव की, तो इस गांव में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वो खुद यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, सड़कें यहाँ पे खुदी पड़ी हुई हैं, जो जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत जो पाइपलाइन बिछाने का काम किया है उसको जस के तस छोड़ दिया गया, लंबा समय हो जाने के बाद तब भी ऐसी हालत बनी, और ये नजारा इसी गांव में नहीं, कई गांव में भी देखने को मिलते हैं। और बात करें और भी तमाम व्यवस्था है जो बीच में ही दम तोड़ती हुई देखी जा रही, बात करें मुक्ति धाम को लेकर, तो मुक्ति धाम भी गांव में नहीं है, और इस समय अगर बात करें आज के समय में मुक्ति धाम होना भी बहुत चुकी, जो दाह संस्कार करने में लोगों की समस्याएं भी बढ़ती हुई देखी जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे विवाह घर को लेकर, तो विवाह घर भी यहाँ पे मांग की जा रही है कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए, तो ऐसी कई समस्याएं लोगों में देखने को मिल रही है। बात करें प्रधानमंत्री आवास को लेकर, शौचालय को लेकर भी, तो शायद जो लाभार्थी है उनका भी वो लाभ नहीं ले पा रहे। अगर बात करें कारण, प्रशासनिक जो संबंधित विभाग है उनकी लापरवाहियां देखने को मिलती है। बात करें आज के समय में जो सबसे बड़ी चुनौती देखने के लिए मिल रही है, वो है राशन कार्ड को लेकर यहाँ पे मिलने समस्या बनी हुई है। राशन कार्ड नहीं होने के कारण कई योजनाओं का लाभ ऐसा है कि जो लाभार्थी नहीं ले पा रहे हैं। बात करें भाई साहब हम किसानों को लेकर, किसानों का जैसे आपने बताया था कि अगर हम बात करें किसानों को सम्मान निधि, सरकार सम्मान निधि भी पहुंचाने का काम करे, तो मिल पा रहा है किसानों को? नहीं मिल पा रहा है, मिल रहा है। स्वास्थ्य की बात की जाए, सरकार जो कम से कम समय में उनको स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिल सके, उसके लिए क्या कुछ आपके गांव में स्थिति देखी जाती है? नहीं, स्वास्थ्य सेवा का लाभ तो ऐसा है कि अभी लोग बीमार होंगे तो जाखलन जाएंगे, ज्यादा ही बीमार हो गए तो ललितपुर जाएंगे। अच्छा, एक और सरकार कहती है कि गरीबों के लिए हम रहने के लिए घर दे रहे हैं निःशुल्क, पीने के लिए पानी हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं, शौच के लिए हम शौचालय देने का काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य सेवा देने का काम कर रहे हैं, खाने के लिए हम राशन देने का काम कर रहे हैं, तो कितना परसेंट, थोड़े मोटे मोटे भाषा में कि कितना परसेंट उनको ये लाभ लोग इसका ले पा रहे हैं? मेरे यहाँ जी ये जो फ्री राशन बट रहा है उसका कुल 10% लोगों को लाभ मिल रहा है, 10%। हाँ, 90% लोग वंचित हैं उससे। तो इस ओर जो संबंधित विभाग है और जो उच्च अधिकारी है और जो संबंधित जनप्रतिनिधि की अगर हम बात करें, तो उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, गांव में आकर देखें
कि किस तरह यहाँ पे लोग रह रहे हो, किस तरह यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, किस तरह ये गांव पिछड़ा यहाँ पे देखा जा रहा है। और जनप्रतिनिधि का भी यहाँ पे लगातार प्रयास है, उनका ये कहना है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ मिले, उनका भी लगातार प्रयास है और कई बार इस बात को ये उठा भी चुके हैं, आवाज भी उन्होंने उठाई है, लेकिन आज भी लंबा समय हो जाने के बाद भी आज के समय में हालात वही जस के तस बने हुए हैं। तो यहाँ पे विधायक, मंत्री और सांसद को भी चाहिए कि ऐसे गांव में भी पहुंचे और यहाँ की वास्तविकता जाने कि लोग किस तरह यहाँ पे रह रहे हैं और किस तरह यहाँ पे लगातार परेशान चुनौतियों का सामना करते हुए दिख जा रहे हैं। जो बात करें हम अगर यहाँ पे कार्रवाई को लेकर, तमाम योजनाओं को लेकर, कुछ दावे ऐसे हैं कि जो कागजों में ही समेट कर रह जा रहे हैं और जो लाभार्थी है उन तक नहीं पहुंच पा रहे, कोई ना कोई कमी होने के कारण, एक छोटी सी कमी होने के कारण जो एक लंबी और आम व्यक्ति के लिए हो जाती है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि राशन कार्ड नहीं होने से कई समस्याएं उनकी बढ़ती हुई देखी जाती है। और भी तमाम व्यवस्थाएं हैं जो गांव में नहीं देखी जा रही, जो कि होना चाहिए, जिससे कि विकास हो गांव में, और गांव में विकास होगा तो मानसिक रूप से भी लोगों का विकास होगा, लेकिन नजारा कुछ और ही यहां पे बताया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, गांव के बीचों बीच भी हम लेके चलेंगे और लोगों से भी रूबरू करवाएंगे किस तरह वो अपनी आपबीती सुनाते हैं, किस तरह यहाँ पे लोग जूझ रहे हैं और किस तरह लाभार्थी योजनाओं से वंचित यहाँ पे देखे जा रहे हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ, लोगों से भी रूबरू कराएंगे, क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ महिलाएं, बुजुर्ग और युवा और बच्चों का नजारा देखा जाता है वो भी हम आपको बताएंगे।